अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिज़िक्स 9th में चैप्टर नंबर 5 क्वेश्चंस करने लगे हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले 5.1 देखते हैं। आपकी किताब में एमसीक्यूज़ मौजूद हैं। कम हेयर ऑन टू योर पेज नंबर 114। 5.1 में कहता है, फर्स्ट पार्ट है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिशेस एट इनफिनाइट डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, मैंने ग्रीन पैच बना दिया आपके लिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। नंबर दो, वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द अल्टीट्यूड। ज़मीन की सरफेस पे मैक्सिमम होती है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कम होती जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट ऑफ वन अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज। ऑप्शन डी ठीक है, क्वार्टर रह जाती है, 1/4 g। ऑप्शन डी ठीक है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून सरफेस इज 1.6। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 100 kg बॉडी। हमें पता है वेट WMG के बराबर होता है, तो 100 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 160 newton। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया था। द अल्टीट्यूड ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इन विच कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स आर लॉन्च अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ऑप्शन डी ठीक है, 42,300 किलोमीटर होता है। सो द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ लो ऑर्बिट सेटेलाइट इज 8,000 meters per second। ऑप्शन डी ठीक है। ये हमारे MCQs एंड हो गए। नाउ कम ऑन टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी के 5.2 है, व्हाट इज़ मेंट बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है? आप लोग आ जाएं अपनी किताब पर, पेज 107 ओपन करके आपको मार्क करा देता हूँ। हेयर इट इज़ पेज 107 पे आपको पैराग्राफ की लाइन नज़र आ रही है। देयर एग्जिस्ट ए फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी। दिस इज़ नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, ये आपकी डेफिनेशन हो गई फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की, पेज 107 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5.3 हमें क्या कहता है। डू यू अट्रैक्ट अर्थ और अर्थ अट्रैक्ट यू, विच वन इज़ अट्रैक्टिंग विद द लार्जर फोर्स। ज़मीन हमें अट्रैक्ट करती है कि हम ज़मीन को अट्रैक्ट करते हैं, और किसकी ज़्यादा फोर्स है? सो बॉयज़, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमें पता है M1 M2 दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों मैसेज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये लहदा बात है, जो ज़्यादा हायर मैस होता है, लार्जर मैस होता है, उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर हम यहाँ से देख लेते हैं। 5.3, इट इज़ योर 5.3 क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, पहले लाइन आ गई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट लाइन देखिएगा आप लोग, We attract Earth and Earth also attract us. हम दोनों एक दूसरे को attract कर रहे होते हैं। Since Earth mass is very large, it attract us with larger force. तो चूँकि ज़मीन का ज़ाहिर है मैस ज़्यादा है, इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होती है। पूरा क्वेश्चन मैंने मैंशन कर दिया आपके लिए। तो वी अट्रैक्ट से लेके यहाँ तक लार्ज फोर्स, और पहले हमने बताया अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने ये बात एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5.4 क्वेश्चन, एक दफ़ा किताब से रीड करेंगे फिर सॉल्यूशन पर आते हैं। व्हाट इज़ फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स क्या होती है? बॉयज़, हमने स्टडी किया था कि ऐसी फोर्स जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है वो फील्ड फोर्स होती है। एग्जाम्पल हमने दी थी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की। फिर हम आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, या आपको 5.4 अभी क्वेश्चन नज़र आएगा, फोकस करते हैं आपके लिए। व्हाट इज़ फील्ड फोर्स? सच अ फोर्स विच एक्ट ऑन अदर बॉडीज विद आउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड अ फील्ड फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज़ अ फील्ड फोर्स। सो दिस इज़ योर आंसर 5.4, आपको पूरा फोकस नज़र आ रहा है, आपने सीख लिया है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या कहता है। वाई अर्लियर साइंटिस्ट कुड नॉट गेस अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। शुरू के साइंटिस्ट से ग्रीक्स टाइम के और उस वक्त के
वो क्यों फाइंड आउट नहीं कर सके जी कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी ज़मीन पर भी ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में मौजूद होती है। ऑब्वियसली आपको याद है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.673 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है, यानी कि आपने देखा कि × 10⁻¹⁹, सो इट इज़ वेरी 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 स्मॉल नेग्लिजिबल फोर्स। जिसका हम आंसर देते हैं, हमें बताता है जी कि ये आपके पास सोल्यूशन आ रहा है, लुक हियर, ड्यू टू वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, ग्रेविटेशनल फोर्स अराउंड अस इज वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। दिस वॉज द रीज़न दैट अर्लियर साइंटिस्ट कुड नॉट गेस अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमने सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, 5.8 में हमें क्या कह रहा है। इट इज़ योर कुछ 5.7 है अभी हमारे पास। हाउ कैन यू गेस, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हाउ कैन यू से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ फील्ड फोर्स। पेज नंबर 109 हम इसको खोलेंगे बुक का, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। मैं मार्क कर देता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तय कर लिया हमने ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। एग्जांपल दे देते हैं, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी थ्रोन अपवर्ड गोज ऑन इट्स वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल ऑन इट्स रिटर्न इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन द बॉडी, वेदर द बॉडी इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ और नॉट, सच अ फोर्स इज़ ए फील्ड फोर्स। सो इट इज़ अज्यूम दैट, सो ये हमने यहीं तक बल्कि मेरा ख्याल है काफ़ी है, इसको इस इज़ आ फील्ड फोर्स। एक बार फिर तय कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एग्ज़ाम्पल दे दी, बॉल को हमने ऊपर फेंका और बॉल वापस आ गई। सो इस तरह की सारी फोर्स फील्ड फोर्स होती हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारे पास एक फील्ड फोर्स है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग मार्क कर लें, इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 5.7। एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो लफ्ज़ एक्सप्लेन आ गया है, पेज 109 के ऊपर हमारे पास इसका जवाब मौजूद है। हम देखते हैं, ये बॉटम में आ जाए, आप सेकंड लास्ट लाइन आपको नज़र आ रही है कि हमने समझी हुई है, सीखी हुई है, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ। एट एनी प्लेस ऑन अर्थ इट्स वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ जी एट दैट पॉइंट। तो हमने देख लिया कि किसी पॉइंट के ऊपर कितनी फोर्स ज़मीन लगा रही होती है ऑब्जेक्ट पे, वो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रेंथ होती है ज़मीन की सरफेस पे मैक्सिमम होती है, जो कि 10 न्यूटन/kg होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं ये वैल्यू कम होती जाती है। लास्ट लाइन देख लें, नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ 10 न्यूटन/kg। तो ये वहाँ से हम सेकेंड लास्ट लाइन में हमने स्टार्ट किया था, और पेज 110 में ये तकरीबन 2.5 लाइन्स यहाँ तक आ गई हैं। सो इट इज़ योर क्वेश्चन 5.7। नाउ 5.8 के बारे में बात कर लेते हैं, Why is law of gravitation important to us? Law of gravitation हमारे लिए क्यों important है, क्या क्या हम इससे जो है वो calculations कर सकते हैं, advantages ले सकते हैं। So ये भी आपको लिखना पड़ेगा। Answer पे चलते हैं। Number एक point है, it help us to find the weight of the bodies in the universe। हम weights निकाल सकते हैं not only on the earth but on the moon, on the other planets also। Number टू, force of gravitation provide necessary centripetal force to revolve the planets around the sun। और force of gravitation की मदद से हम calculate कर सकते हैं कि कैसे planets जो है वो sun के गिर्द घूमते हैं। Number three, it help us to find the gravitational force of other planets। ज़ाहिर है value of g ज़मीन पर फ़र्क है, moon पर फ़र्क है, mercury पर फ़र्क है, venus पर फ़र्क है। हम लोग बाकी planets पर, बाकी celestial bodies पर भी अपनी value of ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसकी मदद से निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं। नंबर फोर, इट हेल्प अस टू फाइंड अंडरस्टैंड वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड। ज़मीन के ऊपर हमें पता है सरफेस पे वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम 10 होती है, जैसे जैसे माउंटेन पे चढ़ जाएंगे और कम हो जाएगी, और ऊपर जाएंगे और कम हो जाएंगी, तो वैल्यू ऑफ जी भी हम इसी लॉ की मदद से डिफरेंट पॉइंट्स पर कैलकुलेट करते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट,
इट हेल्प अस टू कैलकुलेट द मास ऑफ द प्लैनेटरी बॉडीज़। इसकी मदद से हम प्लैनेटरी बॉडीज़ जैसे कि ज़मीन है, चांद है, मरकरी है, सन है, इनके जो हैं वो मैसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये हमने कुछ इसके इंपॉर्टेंस चार पांच पॉइंट्स आपको बता दिए। टोटल फोकस हुआ है क्वेश्चन, ये आप यहीं से उतार लीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स, 5.1 से लेके हम लोगों ने 5.8 तक आपको सिखाए। बाकी इंशाल्लाह विल सी इन द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, खुदा हाफिज़।